ये वीडियो आपको उन फिल्मों की याद दिला रहा है जहां किराया नहीं देने पर मकान मालिक सामान उठाकर फेंक देते थे, लेकिन पटना में मामला उल्टा हो गया। किराया भी दिया, एग्रीमेंट भी कराया, फिर भी मकान मालिक ने जो किया वो हैरान करने वाला है। जानकारी के मुताबिक रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के श्यामा पैलेस में राकेश कुमार राठौर ने पिछले 5 वर्षों की लीज पर एक दुकान किराए पर लिया, लेकिन मकान मालिक द्वारा दुकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। 6 महीने पहले मकान मालिक ने दुकान में ताला जड़ दिया। जब राकेश कुमार सिंह मकान मालिक से ताला खोलने का आग्रह करने लगे तो मकान मालिक ने 6 महीने की बकाया राशि की मांग की। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरों में दिख रहा है। बीच सड़क पर ये तांडव देख रहे हैं आप। फिलहाल पुलिस ने घायल अवस्था में पीड़ित को नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऑफिस के रिगार्डिंग बात करने गए थे कि हम खाली कर देंगे तो मेरा सामान जो भी लागत है हमको ले जाने दीजिए, तो उस पर वो कहा कि मालिक की तुमको रेंट भी देना है और खाली करके जाओ यहाँ से, जबकि मेरा एग्रीमेंट का टाइम 2024 लास्ट तक है। पिछले 5-6 महीने से ताला मार के रखा है, न लिफ्ट का व्यवस्था देता है, न बिजली बिल का कनेक्शन देता है। और कल गए बात करने तो 5-6 लड़के उसके हैं बाउंसर, वो सब पकड़ के हमको रोड पे मारा है और मार के फिर मार्केट के ऊपर लेकर चला गया। कौन है, क्या नाम है? उसमें से मालिक का नाम मनोज कुमार है और उनका जो भी लड़का है चंदन कुमार, नीतीश कुमार और चुन्नू है, और 3 अन्य बाउंसर जो है उनका नाम नहीं जानते हैं। वही सब आदमी मिल के हमको मारा है। विवाद हुआ कि उनका कहना था कि हमको हॉस्पिटल बनाना है, तुम खाली कर दो। हम बोले कि भैया मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है, हम 10-12 लाख रुपया लगा के बिजनेस किए हैं। क्या बिजनेस किया? रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मेरा, एल्बम बनता है वहाँ। कहाँ पर घटना घटी? श्यामा पैलेस रामकृष्णा नगर बाईपास। क्या नाम, जगह का नाम? रामकृष्णा नगर मेन रोड बाईपास श्यामा पैलेस, सोरंगपुर के नज़दीक है वो। पुलिस को सूचना दी है? जी पुलिस को सूचना दी, रामकृष्णा नगर था। क्या आश्वासन मिला? हमको तो पकड़ के रखा हुआ था, जो भी आदमी मारा था सामने था, फिर भी उसको पकड़ा उकड़ा नहीं, आया खाली पूछ के लेके चल गया। जबकि हम कह रहे हैं सर कि यही सब आदमी हमको मारा है, सामने खड़ा होकर वो लोग हंस रहा था और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इधर मकान मालिक के द्वारा किराएदार के बीच सड़क पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इधर पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा पुलिस आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।